पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज भाटी ढेर, दूसरा 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने किया ढेर। आइए देखते हैं पूरी खबर, क्या है पूरा मामला। देखिए, हापुड़ जनपद में अगस्त के महीने में 16-8-22 तारीख में एक शूटआउट हुआ था कचहरी के बाहर, जिसमें लखन सिंह नाम के एक व्यक्ति की पेशी, जो हरियाणा की जेल से यहाँ पे हमारे यहाँ पेशी पे आए थे, उनका शूटआउट हुआ था। उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें कई लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें से प्रमुख नाम मनोज भाटी का था। मनोज भाटी ये दादरी के रहने वाले थे, नगना लैंडसुक के, और लगभग 35 के ऊपर अभियोग इनके ऊपर दर्ज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश रहे हैं। इस घटना में नाम आने के बाद इनके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड जोन स्तर से घोषित किया गया था, और पुलिस टीम ताबड़तोड़ इनको पकड़ने के लिए छापेमारी करी थी। इसी परिवेश में इनकी कल अरेस्टिंग हुई थी। हरियाणा से ये और इनके एक साथी, जो 1 लाख रुपए का और इनामी अंकित, इनकी अरेस्टिंग हुई थी। अरेस्टिंग के उपरांत जब आज थाना कोतवाली में इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि एक जो घटना में प्रयुक्त वेपन है वो इन्होंने यहाँ हाईवे किनारे छिपा रखा है। उस हाईवे किनारे जब उस वेपन को हम लोग ने रिकवर करने का प्रयास किया, यहाँ पुलिस टीम आई, उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर पुलिस का वेपन छीन करके, हमारे हेड कांस्टेबल का वेपन छीन करके फायरिंग करना शुरू करी। लगभग 6 से 7 राउंड इन्होंने फायर मारे हैं। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु पुलिस बल ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसमें इनको एक गोली लगी थी। गोली लगने के उपरांत इनको अस्पताल भेजा गया तो उपचार हेतु, जहाँ इनको मृत घोषित किया गया है। इनके ऊपर दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जो एक्सटॉर्शन मर्डर से रिलेटेड है। रणदीप भाटी गैंग के और सुंदर भाटी गैंग के एक्टिव शूटर रहे हैं, और इस घटना में जो और भी 2-3 व्यक्ति अभी जो वांछित चल रहे हैं, उनकी भी जल्द अरेस्टिंग पुलिस द्वारा इंश्योर की जाएगी। इसमें हमारे एक पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर सोमवीर भी घायल हुए हैं, उनको भी हमने अस्पताल में भर्ती कराया है, उपचार वहाँ पे उनका चल रहा है।